जय मसीह की दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉन पाटन के बारे में। उनके पिता जेम्स और माता जेनेट थी। 24 मई 1824 ईस्वी में स्कॉटलैंड के एक गांव में जॉन का जन्म हुआ। उनके पिता का मोजे बनाने का कारखाना था। वे धार्मिक थे। उसके घर में प्रार्थना घर नामक एक कमरा था। वे उधर एक दिन में कई बार जाते थे और अपने हृदय के सब दुख दर्द अपने परमेश्वर से कहते थे। अपने बचपन में जॉन ने अपने पिता को बहुत परेशान होकर उस कमरे में जाते हुए देखा और कुछ देर बाद मुस्कुराते हुए वहां से बाहर आते हुए देखा। परमेश्वर पर पिता की गहरी भक्ति का प्रभाव जॉन पर इतना अधिक था कि बड़े होकर उसने भी प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय किया। हम में से कितनों ने ऐसा निश्चय किया है? यीशु हम में से हर एक से प्यार करता है। वह आप सबों की रक्षा करना चाहता है। कितने लड़के लड़कियों ने यीशु के लिए जीवन जीने का निश्चय किया होगा, पर दूसरों की क्या हालत है? आप भी प्रभु यीशु से पाप क्षमा का अनुग्रह मांगे और यीशु से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन में आए। जॉन की माँ भी यीशु पर अटल विश्वास रखती थी। एक बार जब जॉन के पिता घर पर नहीं थे, घर में खाना भी नहीं था, लड़के भूखे थे और खाना मांगने लगे। माँ ने लड़कों को बुलाया और कहा, हम अपनी कमियों और जरूरतों को यीशु को बता देंगे। माँ ने पूरे विश्वास के साथ यीशु से भोजन मांगा। उसने बच्चों को यह कहकर सुला दिया कि यीशु ने हमारी प्रार्थना सुनी है, कल हमें बहुत भोजन मिलेगा। दूसरे दिन पिता ने बिना घर की हालत जाने बहुत सा खाना भेजा। जॉन को परमेश्वर की कृपा पर विश्वास हुआ कि वह प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। माँ ने उस दिन उससे जो कहा वह उसे कभी नहीं भूला। माँ के वचन थे, मेरे प्यारे बच्चों, परमेश्वर से प्रेम करो। विश्वासपूर्ण प्रार्थना में उससे अपनी सारी आवश्यकताएं बताओ। वह तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करेगा जो तुम्हारी भलाई के लिए और उसकी महिमा के लिए उचित है। उस समय से जॉन पाटन ने यीशु को स्वीकार किया। उसने यीशु का सुसमाचारक होना चाहा। जब वह 12 साल का था, तब पिता के कारोबार में मदद कर रहा था और साथ ही साथ ग्रीक और लैटिन भाषाओं का भी अध्ययन करता था। सब लड़कों के जैसे जॉन ने भी औजारों और मशीनों के बारे में सीखा जो भविष्य में उपयोगी होगा। एक दिन उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी मिली। कंपनी के अध्यक्ष ने कहा कि अगर वह 7 सालों तक उस कंपनी में काम करेगा तो उसे तरक्की मिलेगी। पर जॉन ने कहा, मैं 3-4 सालों के लिए ही रहने का वादा कर सकता हूँ। कंपनी के अध्यक्ष ने पूछा, क्यों इतने कम सालों के लिए? जॉन ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने अपना जीवन यीशु को समर्पित किया है, जिसकी सेवा करने के लिए जितना जल्दी हो सके मैं जाना चाहता हूँ। ग्लासगो में एक वैद्य पाठशाला में पढ़ाने का एक मौका आया। उधर की पढ़ाई उसे कठिन मालूम पड़ी, क्योंकि उसे अपनी जीविका चलाने के लिए एक स्कूल में काम करना भी था। वह ग्लासगो नगर मिशन में भी काम कर रहा था, जिसकी ओर से उधर के गरीब बस्ती में मिशन का काम चल रहा था। न्यू हेब्राइड प्रशांत महासागर के द्वीपों में से एक है। जॉन ने सुना कि उधर मिशन के काम के लिए आदमी चाहिए। उसे मालूम हुआ कि परमेश्वर चाहता है कि वह उधर जाए। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, जॉन, तुम यही यीशु का काम कर रहे हो, उधर नरभक्षी जनों से मारे जाने को तुम क्यों जा रहे हो? परंतु जॉन की एकमात्र इच्छा थी कि यीशु की महिमा के लिए जीना और उसी के लिए मरना। 1858 में जॉन और उसकी पत्नी मेरी ऑन पाटन न्यू हेब्राइड्स गए, जो ऑस्ट्रेलिया से 1400 मील और है। बहुत लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद वे ताना द्वीप पहुँचे। वह द्वीप नरभक्षी जंगली लोगों से भरा हुआ था। उन लोगों के मन में मूर्तियों और दुष्ट आत्माओं का भय समाया हुआ था। उनका विश्वास था कि दुष्ट आत्मा के प्रभाव से ही
मृत्यु होती है और जब एक आदमी की मृत्यु होती थी तब उसके मित्र भी इन क्रूर लोगों में मारे जाते थे। इन लोगों के बीच पाटन दंपत्ति ने सुसमाचार का काम शुरू किया। उनका पहला काम उस देश के लोगों की भाषा सीखना था। लोगों की बातें सुनने और उससे कई चीजों के नाम पूछने से उन्होंने उनकी भाषा सीखी। जॉन का दूसरा कठिन काम बाइबिल को उसकी भाषा में अनुवाद करना था और ताना के लोगों को पढ़ना सिखाना था। परमेश्वर के लिए काम करने वाले सब लोगों के जैसे जॉन पाटन को भी अपने जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपने बेटे के जन्म पर पाटन दंपत्ति बहुत आनंदित हुए, पर उनकी खुशी बहुत कम दिनों के लिए थी। मेरी मलेरिया से पीड़ित हुई और 3 हफ्ते के बाद वह मर गई। इसके 2 हफ्ते के बाद उनका छोटा बच्चा भी चल बसा। अपने हाथों से जॉन ने दोनों की कब्रें खोदी। जॉन पाटन को इतने बड़े जीवन संघर्ष में जीने की शक्ति कैसे मिली? यीशु को अपने साथ रहने का विश्वास उसे धैर्य देता था। उसका यह दृढ़ विश्वास था कि पवित्र आत्मा की कृपा सेवा अकेले के जीवन की सब बाधाएं झेलने की शक्ति पाएगा। वह कहता था, अगर यीशु का बल या आधार मुझे नहीं मिलता तो मैं पागल हो जाता। वह यह जानता था कि परमेश्वर ने उसे उस जगह भेजा है और उसे सिर्फ उसकी इच्छा पूरी करनी है। कितने ऐसे अवसर थे जब जॉन का जीवन खतरे में था। बीमारियों से पीड़ित होने से उसकी जान खतरे में पड़ी। नरभक्षी लोगों से मारे जाने का भय था। उसके सामानों की चोरी हुई थी। उस जंगली जाति के एक धार्मिक समारोह नहक में उन्होंने जॉन पाटन को थोड़ा सा जूठा खाना ले जाकर उस पर मंत्र का प्रभाव ढालने का प्रयत्न किया। उन्हें इस जादू के काम से जॉन पाटन को मारने की प्रतीक्षा थी। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि जादू का असर इस गोरे व्यक्ति को मिटा देगा, परंतु जॉन पाटन पहले के जैसे तंदुरुस्त दिखाई पड़ा। जंगली जाति के धार्मिक लोगों को इतना आश्चर्य हो रहा था कि पाटन में दुष्ट आत्माओं से बढ़कर शक्ति थी। इस कारण वे जॉन से प्रभु यीशु के सुसमाचार को ध्यान से सुनने लगे। क्या तुम जॉन की भावनाओं की कल्पना कर सकते हो जब उसी पर जादू टोना करने को उसका अर्धखाया फल मांगा गया और उसने दे दिया। उसे अपने प्रभु यीशु पर पूरा विश्वास था कि वह सब खतरों से उसे बचाएगा। अगर तुम परमेश्वर के बच्चे हो तो तुम उसके अत्यंत प्यारे होते हो और वह आंखों की पुतली के समान तुम्हारी रक्षा करता है। इसके बाद डिस्प्रिंग नामक जहाज से वह अनिवा द्वीप और कई अन्य द्वीपों में गया। मिशन के काम करने से न्यू हेब्राइड्स के ताना द्वीप में उसके प्रति इतना तीव्र विरोध हुआ कि वह ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने गया। उसने ऑस्ट्रेलिया के लोगों से ताना के लोगों के बारे में, उधर के जादू टोना करने वाले धार्मिकों के बारे में, नरभक्षियों के बारे में और ताना के अपने जीवन के बारे में कहा। उसने ऑस्ट्रेलिया के लोगों को सुसमाचार सुनाया। कई लोगों ने, यहाँ तक कि रविवार पाठशाला के कई बच्चों ने पाटन के सुसमाचार के कार्य के लिए जहाज खरीदने को पैसा दिया। बच्चों को इतनी खुशी थी कि उनकी दी हुई रकम से एक जहाज खरीदा जा सकता था। तो दोस्तों, यदि हम भी मिशन के कार्य करने वाले लोगों के लिए धन देते हैं या उनकी सहायता करने का प्रयत्न करते हैं तो यह बहुत ही बहुमूल्य बात है। इस बार जॉन ने अनिवा द्वीप में काम करने का निश्चय किया। उधर के लोग बहुत स्नेही थे। एक नेता ने बहुत भावतूर होकर सुसमाचार सुना और यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया। परमेश्वर ने उधर के लोगों पर कृपा की। उन द्वीपों के कई भागों में लोग ईसाई बने। जब पाटन ने यह देखा कि एक व्यक्ति ने यीशु को स्वीकार किया है, तब उसका दिल खुशी से पुलकित हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति ने दिव्य जीवन का अनुभव किया है। उधर के लोग आसमान से बरसता जल ही जानते थे, इसलिए
जब पाटन ने कुआं खोदा और उसमें से जल पाया तो लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं थी कि जमीन से पानी निकला। उसने लोगों को समझाया कि परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया है। परमेश्वर के बारे में उसके ज्ञान का विकास हुआ। पाटन ने लोगों को कपड़ा पहनना और पढ़ना लिखना सिखाया। एक नेता को इसलिए आश्चर्य हो रहा था कि बिना बोले ही एक आदमी दूसरे के साथ संपर्क कर सकता है। जब एक नेता ने पाटन से प्रार्थना पूर्वक खोदे हुए कुएं से पानी लेकर पिया तब चिल्लाकर कहा, यहोवा सच्चा परमेश्वर है। उसने इन लोगों से सब मूर्तियां लाने को कहा। एक बड़ी आग बनाकर उन सब मूर्तियों को जला दिया। इस प्रकार वह सारा द्वीप यीशु की ओर मुड़ा। अनिवा द्वीप में पानी की कठोर तंगी थी। अगर पाटन से खोदे हुए कुएं से पानी नहीं निकलता तो सब मर जाते। 1899 में जॉन ने अनिवा भाषा में बाइबिल का नया नियम प्रकाशित किया। लोगों ने मिलकर अच्छा गिरजाघर बनाया और पाटन ने उनकी भाषा में भजन संगीतों का संग्रह बना कर दिया। इनके अलावा पाटन ने दो अनाथालय बनाए। दोस्तों, क्या ये महान कार्य नहीं है? हाँ, जॉन ने अपने प्रभु यीशु के लिए ये श्रेष्ठतम कार्य किए हैं। 28 जनवरी 1907 को एक महत्वपूर्ण दिन था। जॉन पाटन ने अंतिम सांस ली। उसे असीम संतुष्टि थी कि मैंने अंत तक परमेश्वर की सेवा की और उसके द्वारा कई लोग यीशु को जान सके। उसका बेटा ताना लौटा तो देखा कि सब लोग ईसाई हुए हैं और 5 गिरजाघर भी बने हैं। दोस्तों, पाटन की यह जीवनी आप में प्रभु यीशु और उसके मिशन के प्रति उत्साह उत्पन्न नहीं करती? परमेश्वर हम सबों को भी बुलाता है। हो सकता है कि वह चाहता है कि आप मिशन के परावर्तक बनो। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सबों का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।